गुड मॉर्निंग डियर क्लास टू चिल्ड्रेन वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस टूडे वी विल स्टार्ट ग्रामर एंड फ्राम पेज नंबर नाइन्टी फाइव इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक एंड फ्राम ग्रामर पार्टी लर्न अबाउट फास्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब ओके फास्ट फॉर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड फास्ट एक्शन चिल्ड्रन डू यू नो वॉट आर एक्शन वर्ड्स इन रेग्यूलर रेग्युलर डेली लाइफ में हम लोग बहुत कुछ वर्क करते हैं एक्शंस करते हैं सो so, उस एक्शन को एक्शन वर्ड्स कहा जाता है ओके फॉर एग्जाम्पल लुक एट एक्शन वर्ड्स एक्शन स्लीप्लें क्राई कुक ऑल दीज आर डिफरेंट एक्शन वर्ड्स है ना ये प्रेजेंट एक्शन वर्ड्स है ओके ये प्रेजेंट एक्शन वर्ड्स है जब प्रेजेंट एक्शन वर्ड्स को डी और एड करने पर फास्ट एक्शन फॉर्म्स बन जाते हैं फॉर एग्जाम्पल पी एल ए वाई प्ले पी एल एस प्लेड दिस सी एल ओ एसई क्लोज क्लोज प्रेजेंट एक्शन वर्ड जब क्लोज को डी एड करेंगे ना देन सी एल ओ एसईडी क्लोज क्लोज इज अ फास्ट एक्शन वर्ड सो चिल्ड्रेन जब भी एक्शन वर्ड्स में एक्शन वर्ड्स का लास्ट में एंड में ईडी और डी देखेंगे तो आप जरूर समझेंगे संज़े, वो पास्ट एक्शन वर्ड्स है सो लेट इज रीड इन द पास्ट पास्ट मीन्स बीती हुई समय वी यूज द पास्ट फॉर्म ऑफ द डूइंग चिल्ड्रेन अतीत में हुई एक्शन के बारे में बात करने के लिए हम डूइंग वर्ड्स के पास्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं ओके okay, चिल्ड्रेन

डी एड CLO करने के बाद द नेक्स्ट वर्ड इज क्लोज सीएल क्लोज क्लोज इज दो चिल्ड्रेन आई टोल्ड यू नक्शन के लास्ट में एंड में ईडी और डी देखेंगे तो आप समझेंगे वे पास्ट फॉर्म से ओके अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन सो हियर प्ले फॉर एग्जांपल आई प्ले क्रिकेट मैं क्रिकेट खेलता हूं ओके ये सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में है एंड आई प्लेड क्रिकेट एस्टरडे ओके एस्टरडे मीन्स कल बीती हुई कल कल मैं क्रिकेट खेला मीन्स द एक्शन इज ऑलरेडी हैपेंड इज इट एक्शन हो चुका था ओके जो कंप्लीट हो जाता है काम उसके लिए पास्ट फॉर्म्स यूज करते हैं पास्ट फॉर्म्स तब यूज करते हैं आई I मीन mean, कल के बीती हुई कल के लिए ओके okay, कुछ समय से पहले जो काम हो चुका हो उसके लिए हम लोग पास्ट फॉर्म्स यूज करते हैं नेक्स्ट लेट लेटेस्ट रीड स्टडी दीज सेंटेंसेस आई प्ले क्रिकेट एवरी संडे मैं हर संडे क्रिकेट खेलता हूँ मीन्स ये होता रहता है काम आई प्लेड क्रिकेट एस्टरडे मैं कल क्रिकेट खेल लिया मीन्स ये हो चुका था ओके okay? ये होता है हमेशा ये हो चुका था अंडरस्टैंड सो दिस इज प्रेजेंट वर्ब दिस इज पास्ट वर्ब ओके ये वर्ब है ना प्रेजेंट फॉर्म में है ये वर्ब प्लेड पास्ट फॉर्म में है नेक्स्ट द फर्स्ट सेंटेंस इज अबाउट समथिंग दैट हैपेंस अगेन एंड अगेन फर्स्ट सेंटेंस में इन लोग क्रिकेट हमेशा खेलते रहते हैं हर संडे खेलते रहते हैं एंड द डूइंग वर्ड इज प्ले डूइंग वर्ड यहाँ क्या है

D or E D to a verb. Okay. Action word that is called the new word is called past action word. Understand children. So, children, in this exercise, you just add D or E D to the words and complete the sentences. For, for example, I share dash the project yesterday. Here F I N I S H finish. Here you have to F I N I S H E D finished. डी और डी एड करके इस सारे सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे ओके लुक एट दिस एड डी और डूइंग वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स टू चेंज देम टू देर पास्ट फॉर्म एंड फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया सेंटेंसेस को डी और ईडी एड करते हुए वर्ब okay, को पास्ट फॉर्म में प्रेजेंट फॉर्म को पास्ट फॉर्म में चेंज करके सेन्टेंसेस फिल करने के लिए बोला गया है प्लीज चिल्ड्रन ट्राई दिस ओके